हम बात करेंगे एक दोहा कतर से। जी हाँ साथियों, दोहा कतर से इंडिया के लिए फ़्लाइटों के शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। कुछ फ़्लाइटों का शेड्यूल है आपके लिए, तो मैं बताऊंगा। उससे पहले बता दूं साथियों, जी हाँ साथियों, वंदे भारत 1, 2, 3, 4, 5 आपको पता है साथियों, जुलाई लास्ट तक था, वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी सरकार ने 4 मिशन वंदे भारत 5 लॉन्च कर दिया, जो जी हाँ साथियों, जो 1 अगस्त से स्टार्ट होके 12-13 अगस्त तक चलेगा। बाकी फ़्लाइटें तो भाई पूरे अगस्त ही हैं, बोलने को 12 अगस्त है, लेकिन फ़्लाइटें पूरा शेड्यूल पूरे अगस्त का इसमें शो कर रखा है। आज की हम बता दूँ साथियों, 5 अगस्त से लेके बता दूँ 13 अगस्त तक, जी हाँ साथियों, 5 अगस्त से 13 अगस्त तक, यानी 8 दिनों के दौरान लगभग 9-10 फ्लाइटें हैं मस्कत ओमान दोहा कतर से इंडिया के लिए फ़्लाइटें हैं। जी हाँ साथियों, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैं पूरी डिटेल के साथ आपको वीडियो बताऊंगा, जानकारी दूंगा फ्लाइट से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पे देखते रहिए। मैं दिखा रखा है, ऑनलाइन बुकिंग आर अवेलेबल फॉर फॉलोइंग एयर इंडिया फ्लाइट्स अंडर द पेस ऑफ 4 वंदे भारत मिशन। बुकिंग कैन बी डन एट, इसमें एयरलाइंस एयर इंडिया का वेबसाइट भी दी गई है, लेकिन ये पेज 4 में दिखा रखा है भाई, जब 4 नहीं है, पेज 5 ही है, क्योंकि 1 अगस्त के बाद में तो पेज 5 स्टार्ट हो गया ना, वंदे भारत मिशन 5, तो 4 का तो मैटर ही नहीं है। 5 अगस्त की बात कर लेते हैं भाई, दोहा से 10:30 बजे 10:50 पर हैदराबाद के लिए फ़्लाइट निकलेगी, 17:25 पर पहुँचेगी। जी हाँ, 6 अगस्त को बात कर लेते हैं, दोहा कतर से 10:20 पे फ्लाइट निकलेगी, बेंगलुरु पहुंचेगी। जी हाँ साथियों, बेंगलुरु का इसमें शेड्यूल दिया गया है। इसमें मैं बता दूं आपको आगे, 6 अगस्त की इसमें फ़्लाइट है दोहा से, जी हाँ, दोहा से जो फ़्लाइट है 10:20 पे फ़्लाइट निकलेगी, BLR बेंगलुरु पहुंचेगी 16:55 में। 7 अगस्त को फिर एक फ़्लाइट है दोहा कतर से 11:15 में निकलेगी, और ये पहुंचेगी चेन्नई एयरपोर्ट। जी हां साथियों, MAA का मतलब है चेन्नई एयरपोर्ट, 18:15 पे फ़्लाइट पहुंचेगी। 9 अगस्त को बता दूँ, दोहा कतर से फ़्लाइट निकलेगी 10:15 में, और ये पहुंचेगी दिल्ली, जी हाँ, 16:45 में। तो भाई दिल्ली वाले देख लीजिए, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये दिल्ली पहुंचेंगे इधर के लोग। 10 अगस्त को फिर एक फ़्लाइट है साथियों, दोहा से 9:50 में बॉम्बे के लिए फ़्लाइट है, 15:45 पे फ़्लाइट पहुंचेगी। 11 अगस्त की फिर एक फ़्लाइट है साथियों, दोहा से 10:15 की जयपुर के लिए, 16:35 पे पहुंचेगी। भाई राजस्थान वाले देख लीजिए, एक फ़्लाइट है 11 अगस्त की, जी हाँ, दोहा कतर से 10:15 जयपुर के लिए फ़्लाइट है, 16:35 पे इंडिया पहुंचेगी राजस्थान जयपुर एयरपोर्ट पे। 12 अगस्त की फिर बात कर लेते हैं भाई, फ़्लाइट है 11 अगस्त की फिर बात कर लेते हैं भाई, फ़्लाइट है जयपुर दिल्ली, इसमें दे रखा है, अब समझ में नहीं आया भैया कैसे क्या लिख रखा है। आगे बात करें, 12 अगस्त की फ़्लाइट है दोहा से है 20:45 पे दिल्ली के लिए फ़्लाइट है, 3:15 पे फ़्लाइट पहुंचेगी। 13 अगस्त को फिर एक फ़्लाइट है साथियों, बता दूं दिल्ली से 30:30 की शेड्यूल है गया बिहार के लिए, जी हां साथियों, 8 बजे फ़्लाइट पहुँचेगी। आगे फिर बात कर लेते हैं भाई, 13 अगस्त को दोहा से फ़्लाइट है, बता दूं 9:50 में अहमदाबाद के लिए, गुजरात के लिए 15:20 का शेड्यूल है। 13 अगस्त की फिर एक फ़्लाइट है साथियों अहमदाबाद, 16 बजे बॉम्बे, 17:25 में। तो ये इस तरह से कुछ शेड्यूल था फ़्लाइट से रिलेटेड, मैंने आपको बता दिया। आपको शायद ये जानकारी अच्छी लगे तो भाई आप समझ सकते हैं। बाकी कोरोना अपडेट भी मैं आपको बता देता हूँ कतर का। कतर में भाई कोरोना अपडेट कुछ ज़्यादा नहीं है, 110,153 अभी तक केस पॉजिटिव पाए गए हैं 30 जुलाई तक। जी हाँ साथियों, उसमें से डेथ की बात करें तो 169 लोगों की अभी तक डेथ हुई है, मरे हैं जो कोरोना से, जिसको बोल सकते हैं, और 110,000 में से भाई रिकवर भी हो गए 106,000। जी हाँ साथियों, तो आप मान सकते हैं कि लगभग 3,500 के करीब ही रिकवर अभी तक केस एक्टिव केस बचे हैं, 3,500 के करीब एक्टिव केस हैं। तो भाई बहुत कम है, कतर के लिए बहुत बेस्ट न्यूज़ है। कतर का सिस्टम दोबारा रीस्टार होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, दोबारा से रूटीन में सिस्टम आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं साथियों, मैंने आपको दोनों जानकारी मेरे पास थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।